हम लोग चालू करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, पीवाईक्यूज़ उसके कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिलेशन टू एंडोक्राइन सिस्टम। क्या करेक्ट है? ऑर्गन इन बॉडी लाइक GIT, ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया ये। ओके, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट एक्ट एज इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर एंड नोन एज हार्मोन्स। ये करेक्ट है। ओके, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनोफोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये गलत है, एडिनोफोफाइसिस नहीं होता है, न्यूरोफोफाइसिस। न्यूरोफोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, और एडिनोफोफाइसिस हमने बोला था पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड होता है। मैंने डाइजेशन वाले वीडियो में बताया था कि हमारे सिस्टम, हमारे पास दो ही पोर्टल सिस्टम है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक ये एडिनोफोफाइसिस और हाइपोथैलेमस का जो रहेगा वो पोर्टल कनेक्शन। ये दो पोर्टल कनेक्शन अभी हमें पढ़ना है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1 का D, क्योंकि यही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है हमें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम ऑल्सो रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड। ये करेक्ट हो गया, बाकी पढ़ लेते हैं। नीदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी, ये तो गलत हो गया। एंडोक्राइन रेगुलेट न्यूरल कंट्रोल बट नॉट वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा पॉसिबल। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब फैक्चुअल बेस्ड था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या, मैंने एक वीडियो में बताया था कि पैराथायराइड हार्मोन क्या सीक्रेट करेगा, पैराथार्मोन का काम क्या है, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। ब्लड में जब भी कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा वो, तो उसका इफेक्ट्स क्या हो क्या होगा, देखो, डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ दिस, विच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल ऑफ दिस, वेट, ये इफेक्ट नहीं है। Which of the following is not the effect of parathyroid hormone? बाकी सब पढ़ लेते हैं। Stimulate the process of resorption, ये हो सकता है, ये है भी। Okay. Reabsorption of calcium from renal tubule, decreased, अच्छा ये options असली वाले इधर है। Okay, समझा मेरे को, आधा क्वेश्चन इधर दिया ना, इसीलिए मैं कन्फ्यूज हो गया। ब्लड के कैल्शियम लेवल डिक्रीज नहीं करता, ये गलत हो गया। बोन रीअब्सॉर्प्शन करता है, फर्स्ट वाला आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला आपको किधर दिख रहा है, फर्स्ट वाला मुझे दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ओके, और सेकंड वाला नहीं आना चाहिए, डिक्रीज कैल्शियम लेवल नहीं, वो डिक्रीज नहीं करता है, सेकंड वाला नहीं आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो गए हमारे, तो बचा फिफ्थ और थर्ड के बीच में ही डिसाइड होगा। रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल बाय रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूबुल्स, ये भी करेक्ट है। फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये इसका काम नहीं है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ये भी नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है, क्योंकि मैंने बोला था ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेगा इंक्रीज, मतलब एब्जॉर्ब करो ज्यादा कैल्शियम। फिर किडनी को बोलेगा एक्सक्रीटिव सिस्टम को कि आप भी एब्जॉर्ब करो कैल्शियम, बोन्स को डिजॉल्व कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा, ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, 4, 5, वेट, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट द इफेक्ट पूछा है, तो इफेक्ट क्या क्या है उसका नॉट द इफेक्ट आ जाएगा। तो 1 और 3 छोड़ के बाकी सब, 1 और 3 तो इफेक्ट्स हैं ये 1 और 3, बट नॉट इफेक्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 2, 4, 5 आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा दो पेजेस में डिवाइड हो गया, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रिया, ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडिस, एडिसन्स डिजीज। एड्रिनल ग्लैंड से एडिसन डिजीज होता है, तो सी का आना चाहिए 4, दो ऑप्शन में दिख रहा है। थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी था ग्रेव डिजीज, तो बी का आएगा 1, 2 इसमें भी दिख रहा है। फिर पैनक्रिया और पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने इन दोनों ऑप्शन में ही फंसाया, भले ही आपको थायराइड और एड्रिनल क्लियर हो गया बट इनमें आप फंस सकते हो। पैनक्रिया क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिया इज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड, ओके, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, एंडोक्राइन वाला पार्ट ये चैप्टर में आता है। एंडोक्राइन में भी अल्फा सेल, बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम हो गया तो आपको डायबिटीज मलाइटिस होता है। तो डी का आएगा 2nd, तो ऑप्शन नंबर 2 वैसे करेक्ट हो जाता है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का डायबिटीज इंसिपिडिस केस होता है, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम लोग न्यूरोफोफाइसिस भी बोलते हैं, एडिनोफोफाइसिस तो स्टार्टिंग वाला हो गया, न्यूरोफोफाइसिस जो पीछे वाला रहता है जो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के है ऑफ हाइपोथैलेमस,
ये दो सीक्रेट करता है, दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन। अगर इसका डेफिशिएंसी होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, क्योंकि वाटर बहुत सीक्रेट कर रहे हैं आप। ओके, फिफ्थ वन, करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लिसीमिया। करेक्ट है, हाइपो, सॉरी सॉरी, हाइपोग्लिसीमिया बोला है, हाइपरग्लिसीमिया रहता तो ठीक रहता था, तो ये गलत हो गया, हाइपो बोला है। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस इज द करेक्ट वन। और पैनक्रियाटिक सेल्स पे काम नहीं करता है इंसुलिन, बाकी सेल्स के ऊपर काम करता है और उनको बताता है कि अब्जॉर्ब करो ग्लूकोज को। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, पैनक्रिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सॉरी, पैनक्रिया प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इंडिकेट्स डायबिटिस मेलाइटिस। क्या क्या यूरिन में होगा तो आपको बोलेंगे कि डायबिटिस मेलाइटिस हुआ है, तो ग्लूकोज तो होना ही चाहिए, ग्लूकोसूरिया पहली बात, और किधर ऑप्शन में ग्लूकोसूरिया दिख भी नहीं रहा है मुझे, तो यही ऑप्शन आएगा, क्यूटोन्यूरिया भी होगा। क्यूटोन्यूरिया क्यों होगा, क्योंकि देखो इंसुलिन डेफिशिएंट हो गया, इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम होने के कारण सेल का क्या, सेल का जो ग्लूकोज लेवल है वो अपटेक कम हो गया। अभी सेल के पास ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज का अपटेक बाय द सेल इज डिक्रीज, तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो अभी कुछ तो एनर्जी बनाने के लिए और कुछ तो चाहिए। हम लोग ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट यूज होता है, फैट के बाद प्रोटीन यूज होगा, तो प्रोटीन के डाइजेशन से जो बनता है कीटोन होगा, वो उसमें कीटोन बॉडीज बनते हैं, उसमें कीटोन बॉडीज मिलेंगे, कीटोन बॉडीज। देखो आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो आपने देखा रहेगा ना, ये ऐसा कुछ रहता है, तो इसमें कीटोन बॉडीज का ये कार्बोनिक ग्रुप रहता है, तो कीटोन बॉडीज उसके डाइजेशन से मिलता है, तो कीटोन्यूरिया भी होगा, कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट करेगा वो, तो क्यूटोन्यूरिया भी इज अ प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस का ही एक ये है, आप क्या बोल सकते हो, स्टेप है ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आर्टिफिशियल लाइट, एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब्स एक्टिविटी ऑफ, ये सब एक्टिविटी डिस्टर्ब करता है पीनियल ग्लैंड का, जो कि सेवेंथ का सी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। इंसुलिन किसके वजह से, इंसुलिन के डिफिशियंसी से डायबिटीज मेलाइटिस होगा। फिर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो एक्रोमेगाली हो जाएगा। ओके, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स के वजह से एडिसन्स डिजीज होगा, थायरॉक्सिन के वजह से गॉइटर होगा, डायबिटीज इंसिपिडिस, खाली हमें ये बनाने के, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। तो ऑप्शन क्या मैच हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, वन का आएगा फिफ्थ, फिर टू का आएगा फोर्थ, वन का फिफ्थ, टू का फोर्थ, देखो किधर है, वन का फिफ्थ, टू का फोर्थ, यही ऑप्शन आ रहा है, तो एट्थ का सी ऑप्शन मैच हो जाएगा। Which of the following is an amino acid derived hormone? Amino acid derived hormone. देखो ये all दोनों हैं, ये steroidal hormone है। Okay, ये steroidal hormone है। All और own, ये सब steroidal hormone है, तो इसका epinephrine आ जाएगा answer. All own ये सब steroidal वाले होते हैं, बाकी amino acid peptide hormone ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, बट यहाँ से optional elimination से भी हो रहा था इसलिए बता दिया मैंने। टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी इज, देखो टेम्प्ररी की बात कर रहे हैं, तो टेम्प्ररी हो सकता है प्लेसेंटा और होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे क्या दिया है, ल्यूटियम दिया है, कॉर्पस ल्यूटियम, तो टेंथ का भी हो जाएगा। प्लेसेंटा भी इज अ टेम्प्ररी, क्योंकि ये 9 महीने के बाद गायब हो जाएगा बॉडी से, तो ये टेम्प्ररी है। ओके, GnRH अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन needed in reproduction acts as क्या कहता है GnRH, growth releasing hormone। okay, anterior pituitary gland को acts on anterior pituitary gland and stimulates the secretion of LSFSH, acts on posterior pituitary, oxytocin को secrete नहीं कराता, posterior pituitary ये नहीं कराता, फिर anterior pituitary stimulates LH and oxytocin, anterior pituitary में oxytocin बनता है क्या, 11th का A आ जाएगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, देखो तीन टर्म्स यहाँ पे देखने लायक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट में हो गया तो वो एक्रोमेगाली कहलाया जाएगा, डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, क्योंकि एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं एडोलेसेंस में, एपिफाइजल प्लेट्स एडोलेसेंस में क्लोज, मतलब ये देखो ऐसा कुछ बोन रहता है आपका, तो यहाँ पे जो मेटाफाइस एपिफाइसिस के नीचे एक प्लेट रहता है, यहाँ पे प्लेट होता है, ये डिवाइड करने से लॉन्ग होता रहता है,
या हाइट बढ़ेगा, इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, एल डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एडोलेसेंस के बाद एपिफाइसल प्लेट क्लोज होता है, तो हाइपोसिक्रीशन ये नहीं कराएगा, हाइट इंक्रीज नहीं कराएगा। हाइट इंक्रीज ना करने की वजह से क्या होगा, खाली उसका चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा, एक्रोमेगाली मतलब अलग ही थोड़ा शेप का हो जाएगा, क्योंकि हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो बाकी सब फीचर्स वो इंक्रीज करेगा थोड़ा। आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे वो अलग रहेगा, उसका चेहरे अलग हो जाएंगे, फिर ओके लिम्स लिम्स अपने थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये होता है, बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू GnRH नहीं, मसल फाइबर डू नॉट हैव द सेम साइज, ग्रोथ हार्मोन रिलीजेस, बिकम्स इनएक्टिव इन अडल्ट, ये सब कुछ गलत है। एपिफाइसल प्लेट क्लोज होता है इसीलिए वजह से हाइट नहीं बढ़ता, इसीलिए बोलते हैं कि 21 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी, क्यों आपका मेटाफाइसल प्लेट ही कम हो जाएगा, इसलिए उससे पहले जितना खेलकूद करोगे आपके हाइट में इंक्रीज हो सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक एंड दैट इज हैविंग ऑपोजिट पेयर्स टू ईच अदर, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक है, ये कैल्शियम लेवल मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, इंसुलिन ग्लूकागन ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटीनेट्रियल फैक्टर, ये एल्डोस्टेरोन एंटीनेट्रियल फैक्टर ये भी इंक्रीज करता है, सॉरी दे आर ऑल्सो एंटागोनिस्टिक, ये क्या करता है, सोडियम को सोडियम एब्जॉर्ब करके ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ब्लड प्रेशर घटाता है ये। ओके, रिलैक्सिन और इनहिबिन ये नहीं है, ये दे आर नॉट रिलेटेड टू इच अदर ओनली। ओके, चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन अ फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन इनहिबिन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ही आएगा, इनहिबिन नहीं प्रोजेस्ट्रॉन नहीं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये नेगेटिव फीडबैक का काम करते हैं। देखो मेन GnRH आता है, वो पिट्यूटरी पे काम करके उसको बोलता है LH और FSH निकालो, FSH जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल जैसे ही स्टिमुलेट हो गया उसमें ईस्ट्रोजन जो बनेगा इंटरनथीका में वो जाके FSH को बोलेगा कि भाई बस कर, अभी इतने सारे फॉलिकल हो गए अभी बस कर थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में मेंस्ट्रुएशन होने के बाद फॉलिकल गायब हो जाएंगे, वापस FSH आएगा, वापस बनेगा, वापस नेगेटिव फीडबैक, वैसे ही LH का भी काम होता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन के ही नेगेटिव फीडबैक से ही ये GnRH पल्स रेगुलेट होता है इन फीमेल्स। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ग्रेव्स डिजीज किसके वजह से होता है, देखो ग्रेव्स डिजीज एड्रिनल ग्लैंड तो काट दो आप, थायराइड ग्लैंड से होता है, थायराइड ग्लैंड के हाइपो से होगा कि हाइपर से होगा, हाइपर से होगा, हाइपो से क्या होगा, हाइपो से होगा आपको गोइटर, आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाएगा, थायराइड हार्मोन थायराइड थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाते हैं थायरोक्सिन, उसमें आयोडीन इज द मेन कंपोनेंट, अगर वो हाइपोसिक्रीशन हो गया, या तो हाइपोसिक्रीशन क्यों हो रहा है, अगर आपको आयोडीन कमी है तो सिक्रीट मतलब थायराइड हार्मोन ही नहीं बनेगा तो हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा, उस वजह से वो हो जाएगा गोइटर। ग्रेव्स डिजीज हाइपरसिक्रीशन में हो जाएगा, एक्सोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं उसको। ओके, नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एडिपोसाइट्स एनहांसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, बाकी सब छोड़ो, सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक बोला है तो आग बंद करके इंसुलिन लिख के आओ, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्योंकि देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्रू एंडोक्राइन क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपना हार्मोन खुद रिलीज नहीं करता, मतलब वो बनाता नहीं अपना हार्मोन, वो खाली स्टोर करता है रिलीज करता है, ये काम तो कोई भी कर लेगा, इसलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन बोलते नहीं है हम लोग, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, इंसुलिन है, ग्लूकागन है, इन दोनों के एंटागोनिस्टिक से ही चलता है, कॉर्टिसोन भी काम करता है, जब हम लोग ने पढ़ा कि कॉर्टिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाता है, कॉर्टिसोन जब रिलीज होगा, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल एक ही है, कॉर्टिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ही पार्ट है जो कि बनाएगा ग्लूकोनियो जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ये न्यू आ रहा है, मतलब न्यू टर्म, मतलब ग्लूकोज बनाएगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट से, इसमें एल्डोस्टेरोन का पार्ट नहीं है, बाकी सब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म में काम आता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड इन द मास्टर बाय द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन है पहले वो पहचानो, वो पिट्यूटरी है, कौन सा हार्मोन बाहर बन के आता है इधर स्टोर होकर रिलीज होता है, वो होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों रहता तो भी ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन बाहर से बन के आते हैं, बाहर से मतलब हाइपोथैलेमस से बन के आते हैं, स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, फिर रिलीज होते हैं उधर से, तो इसीलिए उसको ट्रू ग्लैंड नहीं, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते, ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा। करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्स एंड द फंक्शन, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हो सकता है ये, देखो
मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड रेगुलेट्स द रिदम स्लीप वेक साइकिल, ये मोस्ट करेक्ट है. प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेशन ग्रोथ प्रोडक्ट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कौन कराता है ये, ईस्ट्रोजन का काम है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. एंटी नेट्रोलिटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, वेंट्रिकुलर वॉल नहीं एट्रियल वॉल में होता है वो. ओके तो ये दो हो गए. ऑक्सीटोसिन पोशी रिपिट्यूटी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये प्रोलैक्टिन का काम होता है. ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है हमारे बुक में जो दिया है, ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द पास्चुरेशन ऑफ द बेबी. ओके फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ फाइट और फ्लाइट. जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताया था कि आपने चीता देखा, चीता देख के आप डर गए, तो डरने के बाद क्या क्या चेंजेस होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपका स्वेटिंग होगा, पिपली डायलेशन होगा, यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ये सब बहुत सारे, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, फिर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, ये सब थे. तो क्या क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ, क्या एक्टिवेशन हुआ, देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, नहीं, किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन पाथवे, एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सेक्रेटरी ऑफ एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, 21 का सी, इसके वजह से ही होता है. एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन के वजह से ही आपके सब ये सब काम होने लग जाएंगे जो कि पैरासिंपथेटिक नहीं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. ओके जब भी आपको फियर फ्लाइट, मैंने बोला था 3F हार्मोन भी बोलते हैं इसको, फियर फाइट और फ्लाइट, ये हार्मोन होता है. अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम अ स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, रिजल्ट इज, देखो सबसे पहली बात, दो टाइप के डॉर्फिनिज्म होते हैं. इसमें क्या बोला है, स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फ, दो चीजें से हो सकता है हमारे सिलेबस के हिसाब से. सब हमारे सिलेबस के क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एमबीबीएस में जाओगे तो आपको करोड़ों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो उसकी बात मत करो. हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से एक तो होता है पिट्यूटरी ड्वार्फ और होता है एक ड्यू टू आयोडीन, मतलब पिट्यूटरी ड्वार्फ बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्रिएटिनिज्म. क्रिएटिनिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन से, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कम हो गया, उसकी वजह से आता है क्रिएटिनिज्म. पिट्यूटरी ड्वार्फ क्योंकि पिट्यूटरी ने जीएनआरएच रिलीज नहीं किया, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, तो हाइट ब्लॉक हो गया. दो चीजें हैं. क्रिएटिनिज्म किधर देखने मिलेगा, ये हमेशा प्रेग्नेंट फीमेल में देखने मिलेगा. प्रेग्नेंट फीमेल, अगर प्रेग्नेंट फीमेल ने बराबर अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम नहीं किया इन द डाइट, तो क्रिएटिनिज्म मतलब थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा. थायराइड हार्मोन नहीं बनने के कारण जो बच्चा पैदा होगा वो ये होगा, स्टंटेड ग्रोथ वाला होगा. तो लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड नहीं, कैंसर होता तो वो हाइपोसिक्रीशन होता तो ये क्रिएटिनिज्म नहीं दिखाता. ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराडिस्टाइलिस नहीं, 22 का आएगा 4, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो गया, उसके वजह से बेबी का भी ये हो गया कम थायराइड सिक्रीशन. ओके सिलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विथ हार्मोन इट सिक्रीट्स एंड फंक्शन डेफिशिएंसी, मैच करना है सब. चलो देख लेते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन, पहला ही ऑप्शन गलत. थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेस गॉइटर, ये ठीक है. फिर कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन, ये गलत. एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ये भी गलत. तो आ जाएगा 23 का बी. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ इंसुलिन, एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजेन, नहीं. फिर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकागॉन प्रोडक्शन, नहीं. डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, ये हो सकता है. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन का काम ये है, ये नहीं, ये करेक्ट है. वो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है बट नॉट बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन फॉर्म नहीं करता, वो सेल को बोलता है सेल आप अंदर ले लो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो करो, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. ओके यहां पे नेक्स्ट जाते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन. नॉन एपिनेफ्रिन का काम क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एक ही है, तो यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सेम ही होता है. इसमें से हमें पूछा है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम लोग देखते हैं. सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से इंक्रीज होता है, रिलीज होता है बराबर, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, डिक्रीज दिया तो ये गलत हो गया, पैरासिंपैथेटिक वाला गलत हो गया. तो 1 और 3 होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका, 1 और 3, 25 का बी आना चाहिए आंसर. ओके तो नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन. ग्लैंड दिया है, हार्मोन दिया, फंक्शन दिया, ओवरी से FSH,
ओवरी से FSH निकलता है क्या? नहीं, ओवरी से निकलता है सिर्फ प्लेसेंटा और सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन, लेडिक सेल से एंड्रोजन इनिशिएट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यही करेक्ट है 26 का डी। जो द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर एग्जांपल्स ऑफ दोज दैट कैन बी इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ टारगेट सेल एंड बाइंड टू द रिसेप्टर्स मोस्टली इन न्यूक्लियस। मतलब ये कौन से हार्मोन्स की बात कर रहे हैं? देखो दो टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, हार्मोन के दो टाइप के मैकेनिज्म होंगे, या तो बाहर सेल के बाहर के रिसेप्टर को बाइंड करेगा, सेकेंडरी सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा और वो फिर जाके आगे उसका जो टारगेट सेल का जो फंक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या होता है, वो डायरेक्टली हार्मोन अंदर चला जाता है, अंदर चला जाके फिर न्यूक्लियस के बाइंड करके वो क्रोमोसोमल चेंज करके वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे, सॉरी ये काम कौन करेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके दो तीन एग्जाम्पल है। ये काम करेगा आपका जो सेल के अंदर जा रहा है, ये काम करेगा आपका, आप ये याद रखो कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स और आइडोथ्रायोनीन। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। स्टेरॉयडल हार्मोन और आइडोथ्रायोनीन इन दोनों के हार्मोन के ही ये दो एग्जांपल दिए जो अपने अंदर पास हो सकते हैं। तो आप देखो इसमें से क्या एग्जांपल है, स्टेरॉयडल में कोई भी हो, ऑल और ओन ये सब पास हो सकते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर जाके करेंगे। ग्लूकागॉन, इंसुलिन ये सब पेप्टाइड हार्मोन है, थायरोक्सिन पेप्टाइड हार्मोन है, स्टोमेट ऑक्सीटोसिन भी अलग ही है, ये अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल, स्टेरॉयडल हार्मोन, जो भी सेक्स रिलेटेड हार्मोन है ये अंदर जाके करेंगे। तो ये तो आप याद रख लो कि स्टेरॉयडल और आइडोथ्रायोनिन ये जाएंगे अंदर, तो इनको न्यूक्लियस से बाइंड करेगा, फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा। और जो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, इसने बोला मोस्टली न्यूक्लियस में जाके बाइंड करेगा, तो वो हो गया अपना स्टेरॉयडल हार्मोन। जो न्यूक्लियस के बाहर करेगा वो प्रोटीन होगा, बाकी सब हार्मोन होंगे, प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन अमाइनो एसिड हार्मोन वो जो भी रहेंगे वो हो जाएंगे। 28th, मेक द मैच द सोर्स ग्लैंड रिस्पेक्टिव हार्मोन्स फंक्शन। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन गलत, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन करेक्ट है, स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन करेक्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन गलत, थायराइड थायरोक्सिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। थायरोक्सिन का काम ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है क्या? नहीं बाबा, पैराथायरॉयड हार्मोन और थायोकैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के ही ये जो सेल्स है ये थायराइड को सिक्रेट करेंगे। इसके दो सेल्स के बीच में जो बाहर इंटरस्टिशियल सेल रहेगा, इंटरस्टिशियल सेल नहीं बोलेंगे क्योंकि आप स्पर्म के इंटरस्टिशियल सेल के साथ लेडिक सेल के साथ कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं इन लोग, एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं शायद, एक टर्म है जो सिक्रेट करते हैं थ्रायोकैल्सिटोनिन। थ्रायोकैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो, वो ब्लड कैल्शियम करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर हो जाएगा 28 का बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ इनकम्प्लीट टेबल ऑफ सर्टन हार्मोन्स देयर सोर्स ग्लैंड वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ब्लैंक एंड ABCC3 को फिल कर दो। ABC, ईस्ट्रोजन मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सोर्स किधर से आता है? ईस्ट्रोजन का ओवरी से आता है, तो ए का ओवरी आएगा, प्लेसेंटा, ये दो ऑप्शन तो गया पे। फिर इजलेट ऑफ लैंगरहैन, अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरहैन ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगा, रेजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। एंटीरियर पिट्यूटरी सी, ओवर सिक्रीशन लीड्स टू जाइगेंटिज्म, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे। 24 आवर डायरिनल रिदम ऑफ आर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन मेलाटोनिन। इंजरी टू द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। कॉर्टेक्स को अगर हो गया, कॉर्टेक्स को अगर इंजरी हुआ, तो कॉर्टेक्स की इंजरी से कौन सा अफेक्ट नहीं होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट लाइकली टू अफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एल्डोस्ट्रॉन, डीहाइड्रो, ये सब, ये दो हार्मोन हमें नहीं पता, कॉर्टिसोल ये तो अफेक्ट होगा, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, ये सब मेडुला से आते हैं, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन इनका ये एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन बोलते हैं। तो इन सब के सिक्रीशन को क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एड्रेनल मेडुला सिक्रेट करता है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि सिर्फ एड्रेनल कॉर्टेक्स को इंजरी हुआ है, तो बाकी सब ठीक है, तो बाकी एड्रेनल मेडुला तो अपना हार्मोन सिक्रेट करेगा ही। तो 31 के बाद 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड
ग्लूकागन बीटा सेल्स सोर्स, यही मैच गलत हो गया, 32 का ए हो जाएगा क्योंकि ग्लूकागन इज सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स, बाकी सब सेल स्टोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सिक्रीशन, फिर इंसुलिन, डायबिटीज मलाइटिस डिजीज. ओके, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफियर विद द थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफियर्स विद द थायरॉक्सिक विच इंटरफियर थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्या हो जाएगा इसमें देखो, टॉक्सिक एजेंट अगर बाइंड करेंगे थायरॉक्सिन डेवलप की सिंथेसिस को इंटरफियर करेंगे तो हाइपो हो जाएगा, हाइपो सिक्रीशन. मैंने अभी बोला क्रिएटिनिज्म प्रेग्नेंट वुमेन में देखने मिलेगा, थायोसाइटोकोसिस या हमें पता नहीं. टॉक्सिक गॉइटर होगा कि सिंपल गॉइटर होगा, इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर होगा सिंपल गॉइटर, टॉक्सिक गॉइटर करके कुछ होता नहीं, सिंपल गॉइटर मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म बस वो सिंपल गॉइटर आपको देखने मिलेगा. नेक्स्ट इज अ हेल्दी पर्सन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डैश लो मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज्ड बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू. ये सब जो भी फीचर्स इन लोगों ने बोले हैं वो मिक्सोडिमा का फीचर्स है. क्यों? सिंपल क्वार्टर में खाली आपके गले के बाजू में थोड़ा स्वेलन आ जाएगा क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा. क्रिएटिनिज्म तो अलग ही है जिसका हम लोग ने डिसाइड किया था, सॉरी डिस्कस किया था ऊपर. हाइपोथायरॉयडिज्म ये यहाँ पे केस नहीं होगा. लो डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड तो है बट वो मिक्सोडिमा का, क्योंकि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना उससे मिक्सोडिमा क्लिक होता है. वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू इज मिक्सोडिमा. ओके, ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय, ब्लड कैल्शियम लेवल लो कौन करेगा? पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है, थायरॉक्सिन का कुछ लेना देना नहीं है. कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन इज द हार्मोन दैट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. ओ सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ पूछा है, देखो वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को. लोगों ने पूछा ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा? कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करना. अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो ब्लड कैल्शियम इंक्रीज नहीं हो जाएगा क्या? तो ये गलत है, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है. पैराथॉर्मोन के पैराथॉर्मोन का काम क्या था? इंक्रीज करना ब्लड कैल्शियम को. अगर पैराथॉर्मोन डेफिशिएंट है तो ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो पैराथॉर्मोन इज द राइट आंसर. डेफिशिएंसी ऑफ, मुझे लगा ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय, ये ब्लड कैल्शियम इज लोअर्ड बाय कैल्सिटोनिन, बट डेफिशिएंसी ऑफ, ये कंफ्यूजिंग था, अच्छा क्वेश्चन था. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड्स ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड, एड्रिनल, पैनक्रिया, पैराथायरॉयड, थाइमस, रेस्टस, एड्रिनल, ओवरी. इसमें से आप क्या टिक करोगे बताओ? मेरे हिसाब से ये आएगा क्योंकि ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है ओनली, तो ये एक्सोक्राइन भी है, ये सब अपना गोनाड्स भी है, इनका अलग फंक्शन भी है, हार्मोन सीक्रेट करते हैं बट थोड़े थोड़े अमाउंट में सीक्रेट करते हैं, बट इनका दूसरा काम भी है. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा कुछ फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा कुछ काम नहीं था. विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट्स ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन. आफ्टर ओव्यूलेशन क्या ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग रहता है वही आपका काम करने लगता है एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा. अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मस्ट बी फंक्शनली मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली? पैरोटिड तो सलाइवरी ग्लैंड है, ये तो नहीं होगा. पैनक्रियास का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है ब्लड कैल्शियम फॉस्फोरस से. इसका मेन इसका मेन होना चाहिए डी, पैराथायरॉयड हार्मोन के डेफिशिएंसी से ही कैल्शियम का प्रॉब्लम होगा, थायराइड का उससे कुछ लेना देना है नहीं. फीलिंग द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अ स्कैर्ड रेसिडेंट ऑफ द सेवंथ फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरी स्टार्ट्स क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स रैपिडली, विच इज अ हार्मोन इनिशिएटेड एक्शन. वापस आ गया 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, जो भी नाम दिया रहेगा वो टिक करके आओ. सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी नोन एज, पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, कौन सा रेगुलेट करता है सर्टोली सेल्स को फॉर नरिशमेंट? इट इज FSH. FSH फॉलिकल भी स्टिमुलेट कराएगा, हमारे इसमें मेल्स में सर्टोली सेल्स को सीक्रेट कराएगा. विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स? एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही काम है. ओके, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोजेनेसिस?
ये सब एड्रिनल का काम है. मैंने बताया ना, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए डायलेट हो गया, फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होगा, मतलब ब्रीदिंग रेट इनक्रीज होगा और ग्लूकोज बनना चालू हो जाएगा, तो एड्रिनालिन का सब फंक्शन हो गया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विद डिजीज रिजल्टिंग इन डेफिशिएंसी. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन हो जाएगा, ये ठीक है ना. ल्यूटिनाइजिंग की डेफिशिएंसी और फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन. इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायबिटीज मलाइटिस होता है, इंसिपिडिस नहीं, मलाइटिस. थायरॉक्सिन से टेटनी नहीं होगा, गलत है. पैराथायरॉइड से डायबिटीज मलाइटिस नहीं होगा, ये भी गलत है. तो फर्स्ट ही राइट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा. ह्यूमन प्लेसेंटा HCG, ये तो सिक्रेट करता है क्योंकि इसके वजह से यूरिन में HCG मिलने की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है फीमेल. प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनमें से कौन सा सिक्रेट नहीं करता? इनमें से जो प्रोलैक्टिन वो सिक्रेट नहीं करता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट्स में सिक्रेट करता है. क्यों सिक्रेट करता है? क्योंकि अगर ये नहीं रहता एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, नॉर्मली कौन सिक्रेट करता है? ओवरी. ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएटिंग, मेंस्ट्रुएटिंग नहीं हो रहा है अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ सिक्रेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करेगा. ओके, प्रोलैक्टिन नहीं करता बस. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विद डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी. इंसुलिन, डायबिटीज, इंसिपिडिस गलत है. रिलैक्सिन, जाइगेंटिज्म, ये भी गलत है. प्रोलैक्टिन, क्रिएटिनिज्म, ये गलत है. पैराथायरॉइड हार्मोन, टेटनी, ये बराबर है. मेलानिन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड, विजिबल रेडिएशन, एक्सरे. मेलानिन किससे प्रोटेक्ट करता है हमें? यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है मेलानिन. ओके, याद रख लो, ये एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल्स अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग. मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कंट्रोल करता है? FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, क्या? ये वाला FSH, LH और ईस्ट्रोजन मिलकर कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन. व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव फ्रॉम द रैट, व्हिच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड? बोथ ओवरीज निकाल दिए तो ओवरियन हार्मोन डिक्रीज होगा. ओवरियन हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा. प्रोजेस्टेरोन रहता था, वो भी डिक्रीज होता था. एड्रिनल डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन, एड्रिनालिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन SA नोड, बीटा सेल्स ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैन, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक. ये डायरेक्टली एक्ट करेगा SA नोड पे, क्योंकि SA नोड पे एक्ट करेगा तो ये अपना ये क्या बोलते हैं उसको, पेसमेकर. SA नोड क्या होता है? पेसमेकर होता है. पेसमेकर पे एक्ट करेगा, उसको बोलेगा जल्दी जल्दी हार्ट बीट करो क्योंकि अपना हमारे आगे खतरा है. एक्रोमेगाली इज कॉज्ड बाय, एक्रोमेगाली इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन 50 का ए है, ये तो इजी है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ थायराइड कैंसर. थायराइड कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज होता है आयोडीन 131. मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैरस इंटरमीडिएटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, थायरॉइड. इसमें आंसर आ जाएगा पैरस इंटरमीडिएटा, क्योंकि एडिनोफोफाइसिस न्यूरोफोफाइसिस के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि हमारे ह्यूमंस में लिटिल डेवलप होता है, बट वो MSH सीक्रेट करता है. ये ऑलमोस्ट हम लोग मर्ज समझ लेते हैं विद एंटीरियर पिट्यूटरी, बट अभी दिया है तो मानना पड़ेगा. ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ मेनली चाइल्ड बर्थ ही इसका काम है. ओके, अ कैंडिडेट वैक्सीन फॉर मेल कॉन्ट्रासेप्टिव इज बेस्ड ऑन मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर तो इतना क्वेश्चंस देखा नहीं जाता, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये. टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर है. इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन इन दैट स्टिमुलेट्स लिपोप्रोटीन लाइपेज इन द विसिनिटी ऑफ फैट सेल्स, इंक्रीजेस ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इंक्रीजेस mRNA राइबोसोमल एक्टिविटी, स्टिमुलेट्स हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इन द फैट्स. ये भी आउट ऑफ NCERT, आप चाहो तो छोड़ सकते हो. आंसर इसका स्टिमुलेट्स हार्मोन सेंसिटिविटी लाइपेज इन द फैट सेल्स. ओके, द ग्लैंड दैट रिग्रेसेस विद एज, ये होगा थाइमस ग्लैंड, विच इज ये बोलते हैं ना हम लोग, ये हमारा एज के साथ घटता है, इसलिए हमारा इम्यूनिटी भी घटते जाता है एज के साथ. कैल्सिटोनिन इज अ थायराइड हार्मोन विच, कैल्सिटोनिन थायराइड हार्मोन विच लोअर्स ब्लड कैल्शियम, नहीं, ये पैराथॉर्मोन का काम है. क्या करता है? एलिवेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल. सॉरी, ये पैराथॉर्मोन का काम है, ये लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये कैल्सिटोनिन का काम है. आंसर यही है, बाकी पढ़ो मत. ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू कॉलकिस्टीन, 59th का बी.
कॉल्केस्टीन। सिक्रेटिन क्या करता है, पैनक्रियास को बोलेगा आप सिक्रेट करो, कॉल्केस्टीन क्या बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है गॉल ब्लैडर को, ये हम लोग ने डाइजेस्टिव में पढ़ा था। हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने के लिए गैस्ट्रिन बोलता है, और उसको रोकता कौन है, एंटरोगैस्ट्रॉन इसको इनहिबिट करता है, सिक्रेट करने के लिए गैस्ट्रिन बोलता है। हार्मोन थायरोक्सिन एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्मड फ्रॉम थायरोक्सिन एड्रेनालिन एंड पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्मड फ्रॉम ट्रायोसिन, ये भी आउट ऑफ एनसीआरटी का, ट्रायोसिन से बनता है ये। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल स्टिमुलेट्स लेट डाउन ऑफ द मिल्क थ्रू ब्रेस्ट, इट इज ऑक्सीटोसिन, जैसे रिप्रोडक्शन हुआ लेट डाउन मिल्क होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थियरी ऑफ एजिंग द प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ ग्रेजुअल एट्रोफी डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड इन अडल्ट फीमेल्स, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन मेमोरी ग्लैंड्स, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सिक्रेट वैसोप्रेसिन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पाचुरेशन। द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर फुल। ओके, निकोटीन एक्ट एज अ स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ, इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन और एसिटाइल कोलिन। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर्स इट्स सिक्रीशन एंड इन द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इन द ब्लड। देखो, स्टोरिंग खाली और खाली हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है, और कोई ग्लैंड और कोई भी अपना एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर नहीं करता, एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर नहीं करता कोई भी, सिर्फ और सिर्फ थायराइड ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्टोर कर सकता है और बाद में रिलीज कर सकता है। ओके, तो बाकी थोड़े क्वेश्चन है, ये हम लोग उसको पार्ट टू में ले लेंगे।